भोजपुरी एक्टर रवि किशन के बाद अब बिग बॉस 16 फेम शिव ठाकरे ने कास्टिंग काउच को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल शिव ठाकरे ने बताया है कि अपने करियर की शुरुआत में उन्हें कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा था जिन्होंने उनका फायदा उठाने की कोशिश की। इंटरव्यू में शिव ठाकरे ने यह भी कहा कि मुंबई में आने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि केवल लड़कियां ही असुरक्षित महसूस नहीं करती बल्कि लड़कों को भी डर रहता है। इसके साथ ही शिव ने बताया कि वो इस मामले में भाग्यशाली रहे कि उन्हें कभी बुरी हरकतों का शिकार नहीं होना पड़ा। शिव ठाकरे ने बताया कि एक बार मैं आरामनगर में ऑडिशन देने आया था तो वहाँ मुझे एक मौजूद शख्स ने कहा कि यहाँ पर मसाज सेंटर है, मुझे ऑडिशन और मसाज सेंटर के बीच कोई भी मतलब समझ नहीं आया। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि आप यहाँ आओ। शिव ठाकरे ने कहा कि वो कास्टिंग डायरेक्टर था और मैं उससे कोई पंगा लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैं वहां से चला गया। फिलहाल शिव ठाकरे ने कहा कि उस घटना के बाद मैंने महसूस किया कि कास्टिंग काउच की बात आती है तो महिलाओं और पुरुषों में अंतर नहीं होता है।